मैं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं इस वक्त की खास खबरों का। खबर रायबरेली से है, जहां खेती किसानी करने में किसानों को किसी तरह की समस्या ना हो, इसलिए किसान सम्मान निधि के तहत उनके खातों में धन मुहैया कराया जा रहा है। लेकिन जनपद में लगभग 33,000 ऐसे किसान है जो मृत हो चुके हैं, बावजूद इसके उनके खातों में किसान सम्मान निधि के तहत धन जा रहा है। बता दें, जिसकी भनक विभाग के अधिकारी को भी नहीं हुई, जब निदेशालय से मुद्रों की खातों में जनधन योजना सूचना गई तो हड़कंप मच गया। आनन फानन में सत्यापन की प्रक्रिया भी शुरू करा दी गई, लेकिन कहीं ना कहीं ये कृषि विभाग की बड़ी चूक मानी जा रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को धन मुहैया कराया जा रहा है, जिसको लेकर उनके खातों पर धन भी प्राप्त किया जा रहा है। आपको बता दें कि इसी तरह रायबरेली जनपद में लगभग 37,000 किसान हैं जो मृतक पाए गए हैं, उनके खातों पर किसान सम्मान निधि योजना के तहत धन प्राप्त हुआ। इसकी सूचना रायबरेली प्रशासन तक नहीं थी। आपको बता दूं कि निदेशालय से इसकी सूचना मिली तो निदेशालय ने एक पत्र जारी किया, जिससे रायबरेली प्रशासन के हाथ पर खुल गए। उन्होंने तुरंत सत्यापन के लिए टीम लगा दी। आपको बता दूं कि जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि जल्द इसकी रिकवरी कराई जाएगी, चाहे वो मुर्दों के खाते से पैसा निकाला जाए या फिर उनके परिजनों से निकाला जाए। देखना ये है क्या ये बात कहां तक करती है, क्या प्रशासन रिकवरी करवाएगा या फिर इसे ठंडे बस्ते में डालकर छोड़ देगा। कैमरा पर्सन करण के साथ अजय प्रताप सिंह, प्राइम टीवी रायबरेली। उत्तर प्रदेश नेशनल कांग्रेस पार्टी के निर्देश पर कानपुर कांग्रेस कमेटी द्वारा अग्निपथ योजना के विरोध में विधानसभा स्तरीय सत्याग्रह शुरू किया गया। इस दौरान तख्ती बैनर लेकर कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी करते हुए अपना विरोध दर्ज किया। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के नगर अध्यक्ष नौशाद आलम मंसूरी ने कहा कि सरकार अग्निपथ योजना बनाकर नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये सत्याग्रह है, सत्य का आग्रह कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर विधानसभा स्तर में आयोजित किया है। सारी इकाइयां नौजवानों के साथ खड़ी हैं। अग्निपथ योजना पे नौजवानों के भविष्य के साथ जिस प्रकार सरकार योजना बनाकर भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास कर रही है, उसके विरोध में सारा कांग्रेस जन सत्य का आग्रह कर रहा है कि मान जाओ केंद्र सरकार, जनता की आवाज़ को सुनो, नौजवानों की आवाज़ सुनो, सत्य के रास्ते पर चलो। खबर फरीदाबाद से है, जो हरियाणा कांग्रेस केंद्र की अग्निपथ योजना के विरोध में है। अग्निपथ योजना को लागू करने पर सेना के राजनीतिकरण का आरोप लगाते हुए कांग्रेस फरीदाबाद में सत्याग्रह आंदोलन जारी है। इस मौके पर कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने कहा कि सेना में लाखों पद खाली पड़े हैं, लेकिन उन्हें भरने के बजाय सेना को ठेके पर दिया जा रहा है। कांग्रेस अपने देश के सेनाओं को किसी सूरत में कमजोर नहीं होने देगी। ये सत्याग्रह का मकसद एक ही है, जो ये सरकार अग्निपथ की योजना लेके आई है, इसका हम पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ना ये देश के नौजवान के हक में, ना सेना के हक में है, ना देश की रक्षा के लिए ठीक है, ना देश की सुरक्षा के लिए ठीक है, और ये देश के जवानों के साथ बहुत बड़ा। खबर मुरादाबाद से है, जो भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद इदरीश के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर मुरादाबाद कमिश्नर के नाम ज्ञापन सौंपा। और मुरादाबाद के गांव काशीपुर रामनगर हाईवे रोड पर लगा ट्रांसफार्मर मीटर बड़ी बिजली के लंबे जर्जर पड़े तारों की शिकायत की और जल्द बिजली के तारों को जल्द से जल्द ठीक कराने की मांग की। कम से कम 6 महीने से बराबर मेरे द्वारा कहा जा रहा है कि इन तारों को जेई साहब से, एसडीओ साहब से मौखिक किया गया, बराबर उनको बुला के दिखाया गया और वो तार नहीं बदलते हैं और आनाकानी करते रहते हैं, जिससे कि एक बड़ी घटना होने से रात बची है, जिससे जो है आए दिन वहाँ पे लोग जो है परेशान रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो तार बदलें और एक ललित कुमार जेई हैं वहाँ पे, जो एक प्राइवेट टीम बना के दिन में और रात में वो चेक इन करते हैं, चेक इन के बहाने अवैध वसूली करते हैं। ये अधिकारियों की लापरवाही है विद्युत विभाग के, और मैंने इसमें लेटर में लिखा है कि अगर ये एक सप्ताह के अंदर अगर वो तार सही नहीं होते हैं, वहाँ तार नहीं बदले जाते हैं, तो एक जिला स्तर पर और जो है अन्य जनपदों पर भी धरना प्रदर्शन। खबर गाजियाबाद से है, जो राष्ट्रपति चुनाव के लिए लोनी के दुष्यंत कुमार नाम के एक व्यक्ति ने फॉर्म खरीदा और कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है पर्चा दाखिल करने का, मैं इसी योग्य हूँ, प्रधानमंत्री जी एक बार मुझे सेवा का मौका अवश्य दे, मेरा चरित्र बिल्कुल साफ सुथरा है और मैं लगातार समाज सेवा करता हूँ, राष्ट्रपति पद के लिए मैं खुद ही सही उम्मीदवार हूँ, मुझे जनता की सेवा करने का मौका अवश्य दे।
मैनपुरी जिला जेल के निरुद्ध बसपा नेता अनूप दुबे के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई की गई। गैंगस्टर मामले में उनके होटल को कुर्क करने के बाद प्रशासन ने संपत्ति कुर्क का बोर्ड भी लगा दिया। वहीं बसपा नेता की पत्नी ने कार्रवाई को पूर्ण तरीके से अवैध बताते हुए न्यायालय में चुनौती देने की भी बात कही। बिल्कुल सहमत नहीं है, क्योंकि भैया जब जवाब मांगा गया, मेरा जवाब पहुंच गया है, जब जवाब पे अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, आपने कोई सूची नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया, आपने अचानक आके यहाँ पे सीज करने आ गए। इसके मतलब कानून के उसमें रह के आपको यहाँ पे रिसीवर बिठाना चाहिए था। भाई हमारा बैंक है, हमारा लोन पे, हम लोन की भरपाई कैसे करेंगे? जब आप हमारा होटल सीज ही कर देंगे तो हम लोन की भरपाई कैसे कर पाएंगे? भाई ये थाना कोतवाली फतेहगढ़ में एक मुकदमा अपराध संख्या 899 की विवेचना चल रही थी, उसके क्रम में डीएम सर ने 14-1 में गैंगस्टर एक्ट में एक आदेश पारित किया था 4 अप्रैल 2022 को। उसके क्रम में फिजिकल खबर श्रावस्ती से, जहां के मुख्यालय भिंगा पर को राजकीय पुस्तकालय का लोकार्पण पूर्वांचल विकास बोर्ड के सलाहकार साकेत मिश्रा ने किया। इस मौके पर श्रावस्ती विधायक भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मौजूद छात्र छात्राओं ने यूपीएससी से संबंधित सवाल किए, जिसका मुख्य अतिथि और डीएम एसडीएम व एसडीओ ने सहजता से जवाब दिया। तो वहीं डीएम द्वारा विषयवार डेस्क बनाकर पुस्तकों को उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। खबर गाजियाबाद से है, जहां लोनी क्षेत्राधिकारी रजनीश कुमार उपाध्याय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के 2 नंबर बस स्टैंड के पास 2 अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया और चेकिंग के दौरान गिरफ्तारों के पास से 13 मोटरसाइकिल, 3 स्कूटी, 1 तमंचा और चाकू बरामद किया, जिसके बाद पुलिस अन्य फरार अभियुक्त की तलाश कर रही है। उसी दौरान एक मोटरसाइकिल पे 3 संदिग्ध सवार आते हुए दिखाई दिए। पुलिस टीम द्वारा जब रोकने का प्रयास किया गया तो मोटरसाइकिल से भागने लगे, लेकिन जल्दबाजी में उनकी मोटरसाइकिल फिसल गई और फिसलने के बाद पुलिस टीम द्वारा 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। एक व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाते हुए और भाग गया। पकड़े हुए व्यक्तियों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना नाम साहिब और दूसरे ने खबर बुलंदशहर से है, जहां जिला कारागार में बंदियों के बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए कारागार में एक विशाल चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें महिला व पुरुष बंदियों के स्वास्थ्य की जांच की गई और बीमारी के अनुरूप उपचार की सलाह दी गई, परामर्शित किया गया। शिविर में जनरल फिजिशियन डॉक्टर, स्त्री रोग विशेषज्ञ, दंत विशेषज्ञ डॉक्टर ने भाग लिया। इस शिविर में 1200 बंदी लाभान्वित है। खबर रायबरेली से है, जहां नहर में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिला। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में युवक घर से खाना खाकर कारखाना पर सोने जा रहा था, जिसकी नाले में गिरकर डूब जाने से मौत हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। खबर कुशीनगर से है, जहां पुलिस अधीक्षक निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर व क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में जनपद में अवैध मादक बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना तरिया सुजान व स्वाट की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर 5 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 8 लाख का अवैध गांजा बरामद हुआ। इन तस्करों पर NDPS एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। खबर गाजियाबाद से है, जारौली स्टेशन के पास गौशाला फाटक से संयुक्त कार्रवाई में 2 स्नैचर्स को GRPO और RPF पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनकी निशानदेही पर ज्वेलरी, 4 मोबाइल और 4000 नगद बरामद हुए हैं, जिसको लेकर CO GRPO ने बताया कि अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत दोनों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों स्नैचर के साथ शातिर ठग भी हैं, तो वहीं दोनों की गिरफ्तारी से GRPO थाने में दर्ज 4 मुकदमों का खुलासा भी हुआ है। खबर गाजीपुर से है, जहां खानपुर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां शादी भादी गांव के पास संदिग्धों और वाहन चेकिंग के दौरान 2 बाइक सवार तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 1 फरार हो गया, जिसको लेकर पुलिस ने बताया कि फंदे में आए अभियुक्त शातिर किस्म के तस्कर हैं। उनके पास से भारी मात्रा में गांजा के साथ ही असलाह और कारतूस भी बरामद हुआ है। कल शाम को थानाध्यक्ष खानपुर गश्त में थे तो उन्हें सूचना मिली कि कुछ लोग गांजे की तस्करी करते हैं और वो लेकर के आ रहे हैं। इस पर उन्होंने
शादी वादी गांव के पास दो लोगों को मोटरसाइकिल से आते हुए देखा तो रोका, उनकी तलाशी ली गई तो उसमें उनके पास से 20 किलो गांजा और दोनों के पास से एक एक अवैध असलहे बरामद हुए हैं, तो आज उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इनके ऊपर कोई पुराना क्रिमिनल हिस्ट्री था? अभी तक तो इनकी पुरानी क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं मिली है, उसकी भी हम खबर। लखीमपुर खीरी से जहां के कोतवाली मोहम्मदी क्षेत्र में दिन दहाड़े युवक को गोली मार दी गई, फिर दबंगों ने इसकी बाइक में भी आग लगा दी। इस घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, तो वहीं मौके पर पहुंचे प्रभारी निरीक्षक ने युवक को आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोहम्मदी में भर्ती करा और आगे की जांच में जुट गई। खबर गाजियाबाद से है जहां के मधुबन बापू धाम में एक सनसनीखेज लूट का मामला सामने आया है। स्कूटी पर जा रहे युवक को एक बाइक सवार युवक ने टक्कर मार दी, जिसके बाद युवक गिर गया और उसके बैग में 18 लाख रुपए गिर गए, जिसको लेकर युवक फरार हो गया। कल रात्रि को लगभग 9:15 बजे जब SHO मधुबन बापू धाम रत्ना फिलिंग स्टेशन के पास गश्त कर रहे थे, तभी उसी दौरान उन्हें पता लगा कि लगभग 45 मिनट पहले वहाँ से कुछ दूर एक कृष्णकांत नामक व्यक्ति जो कि 18 लाख रुपए कैश लेकर आ रहे थे, उनसे कोई वो कैश लेकर चला गया है। पूछताछ में वादी ने बताया कि वह एक CA के यहाँ से 18 लाख रुपए कैश एक पिट्ठू बैग में अपनी स्कूटी में आगे रख के ला रहे थे, जिसके एवज में वो उनको गोल्ड बिस्किट देने वाले थे। जैसे ही वो CA के यहाँ से ये पिट्ठू बैग लेकर निकले, उससे लगभग 500 मीटर दूर उनकी स्कूटी पे एक पीछे स्कूटी सवार व्यक्ति ने उस पर टक्कर मारी, जिससे कि वे डिसबैलेंस हो गए। उसके बाद उनका जो पिट्ठू बैग जो उन्होंने आगे रखा हुआ था वो गिर गया। तभी बाइक सवार दो व्यक्ति जो साथी में चल रहे थे, उनमें से एक व्यक्ति ने उतर के उस बैग को उठा के लेके चला गया है। इसमें खबर हरदोई से है जो बाइक सवार एक युवक के ट्रेन की चपेट में आकर मौत हो गई। इस पूरी घटना का वीडियो CCTV कैमरे में कैद हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अब तक की खास खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV। आप देख रहे हैं प्राइम TV, सच साहस।